दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 25 मार्च 2024 दिन सोमवार होली। इस दिन बना है दुर्लभ माह, शुभ संयोग महालक्ष्मी योग। 12 राशियों में से 5 राशियां होंगी मालामाल। दोस्तों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस बार 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को होली के दिन महालक्ष्मी योग दुर्लभ संयोग बनने से 12 राशियों में से 5 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। यूं कहें कि स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी अब इन 5 राशि वालों के घर पधार रही है। होली के दिन इन 5 राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। यूं कहें कि इन 5 राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे इन 5 राशि वालों को मालामाल बनने से, धनवान बनने से, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा से इन 5 राशि वालों पर पड़ चुकी है। इस बार होली के दिन दोस्तों कौन कौन सी वह 5 खुश नसीब और भाग्यशाली हैं राशियां हैं जिन पर माता लक्ष्मी इस बार होली पर सबसे अधिक मेहरबान होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है इन 5 राशि वालों के लिए। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें, होली जिसे हम होली का कहते हैं, यह रंगों का त्योहार है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दोस्तों, इस साल होली दहन का त्योहार 24 मार्च को मनाया जाएगा और रंगों उत्सव 25 मार्च को मनाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होली और दीपावली है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। यह 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोस्तों दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति, कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में, नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे, तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतनी ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता के मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका बहन थी है वह राज में पहुंच गई और वहां जाकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठाया।
क्योंकि दोस्तों होलिका माता को यह वरदान था, अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई। हिरण्यकश्यप की आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेदों को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी लाल रंग का गुलाल लगा जाए तो सभी तरह की मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है, इसलिए आपसी प्रेम इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उन पांच खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो लक्ष्मी की कृपा से 25 मार्च 2024 दिन सोमवार होली के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महान शुभ योग महालक्ष्मी योग, ये चार राशि वाले धनवान बनने वाले हैं, लॉटरी लगने वाली है। इन पांच राशि वालों की यह चार राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। यूं कहें कि स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे इन पांच राशि वालों को करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से। दोस्तों जिन खुश नसीब और भाग्यशाली पांच राशियों के बारे में हम बात रहे हैं, उन पांच खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मेष राशि है। मेष राशि वालों को बता दें इस बार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होली के दिन बन रहे हैं। शुभ संयोग महालक्ष्मी योग में मेष राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी, इनके घर खुशी का माहौल रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि इनके घर में लगातार बनी रहेगी और आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि वालों को आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। व्यापारी लोगों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में संपन्न हो सकते हैं। नए कार्य को करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। जो भी आप नए कार्य का शुभारंभ करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इस होली में बन रहे महालक्ष्मी योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि के लोगों को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मेष राशि वालों, यदि आपको कोई कर्ज चल रहा है उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के जबरदस्त राज योग हैं। मेष राशि वालों इस होली आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेष राशि वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन से धन लाभ हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा मेष राशि वाले, यदि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत लाभकारी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर इस होली पर रही है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। कन्या राशि वालों आपको बता दें इस होली महान शुभ संयोग से माता लक्ष्मी की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके लिए अधिकतर सफल रहेंगे, साथ ही साथ नौकरी की दशा में चल रहा प्रयास जल्द ही सफल हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ साथ जीवन साथी की तरफ से आपसे कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से कन्या राशि वालों आपको नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे। साथ ही साथ आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं, इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कन्या राशि वालों सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों को चारों तरफ से इस होली में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, संभावना बन रही है और आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास बहुत ही आसानी से सफल हो जाएंगे। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान निकाल लेंगे। कन्या राशि वालों आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
इस होली में धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है। धन प्राप्ति के अनेक योग कन्या राशि वालों आपके लिए बन रहे हैं। यह होली आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। समय को अपने हाथ से न जाने दें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां आती हैं, दोस्तों वह राशि है तुला राशि है। दोस्तों, तुला राशि वालों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी इस होली आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके ऊपर अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाने वाली है, जिसकी वजह से तुला राशि वालों आपके जीवन में आने वाली धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। चारों तरफ से आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपने अपने जीवन में जो सोचा भी नहीं होगा, इतना आपको इससे लाभ होने वाला है। आपके जीवन में चारों तरफ से पैसों का आगमन होगा। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति होने की भी पूरी संभावना है। लक्ष्मी की कृपा तुला राशि वालों, इस होली आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में अचानक आपको लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। और माता लक्ष्मी की कृपा से इस होली में तुला राशि वालों, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में होंगी अब अपार खुशियां साथ ही साथ। यदि आप कोई व्यापार को शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वह योजना आपकी अवश्य सफल होगी। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहना गलत नहीं होगा। इस समय जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, वह कार्य सफल होगा, क्योंकि यह होली पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। तुला राशि वाले माता लक्ष्मी की कृपा से इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आती है, दोस्तों वह राशि कुंभ राशि है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस होली सबसे अधिक मेहरबान रहने वाली है। आपके ऊपर लगातार माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो कार्य काफी सालों से रुके हुए थे, वह भी अब सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो वह पैसा आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ आप अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने में भी कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति कुंभ राशि वालों मजबूत बनेगी। व्यापार में आपको अचानक धन लाभ होगा और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो यह योजना सफल होगी। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, इसके प्रबल योग बन रहे हैं। और कुंभ राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा, माता लक्ष्मी की कृपा से इस होली आपको चारों तरफ से धन लाभ प्राप्ति के अनेकों योग बन रहे हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के संकेत इस होली आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा कुंभ राशि वालों, इस होली आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ रही है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। तो दोस्तों, ये थी वो खुशनसीब और भाग्यशाली पांच राशियां, जो कि इस होली में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन से मालामाल होने वाली है। इन चार राशि वालों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस होली में अनेकों प्रकार के धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे अब इन पांच राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आपकी राशि अवश्य लिख दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।